अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारे टॉपिक तारीख़ तिब का जालीनूस का है, जालीनूस यानी कि गैलन, और ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है तो इसलिए हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जालीनूस, मेरी वॉइस क्लियर है प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए अगर इफ़ पॉसिबल। ठीक है, मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? जालीनूस और गैलन इसको इनको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जालीनूस का तारुफ की बात करते हैं, तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जालीनूस क्या था, तिब्बे यूनानी की इब्तदाई और तख्लीकी अहद। इब्तदाई कहते हैं जो इनिशियल दौर था, इनिशियल जो ज़माना था तिब्बे यूनानी का, और तख्लीकी अहद कहते हैं यानी कि जब तिब्बे यूनानी बन रही थी। ठीक है, यानी कि जब डेवलपमेंट में थी, डेवलपिंग थी, यानी डेवलप पूरी तरह से नहीं हुई थी, यानी तख्लीक हो रही थी उसकी। ठीक है, तो तिब्बे यूनानी के इब्तदाई और तख्लीकी अहद में जालीनूस यानी कि क्लॉडियस गैलन का नाम नुमाया नज़र आता है। ठीक है, अबू तिब बुकरात के बाद दूसरा अहम तबीब जो था वो जालीनूसी था। यानी हमने जो एक अहम तबीब अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो है बुकरात, यानी अबू तिब, यानी फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट के बारे में हमने डिस्कस किया। हिप्पोक्रेट के बाद जो अहम तबीबों में, यानी मशहूर तबीबों में जो नाम आता है वो जालीनूस यानी कि गैलन का आता है। ठीक है, कि जिसने बुकरात के तख्लीकी करदा फ़न तिब को, यानी जो बुकरात ने तख्लीक किया फ़न तिब को, उसमें इसने रू फूकी थी। ठीक है, अब ये जालीनूस, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जालीनूस कहाँ पैदाइश, जालीनूस की पैदाइश पूछी जाती है, और ये किसी AIPGET एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि जालीनूस की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो जालीनूस की पैदाइश परगमौन में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपके BOMS फर्स्ट प्रॉफ में भी ये MCQs में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और बुकरात का मैं बता देती हूँ, बुकरात जो पैदा हुए थे वो कॉस आइलैंड में पैदा हुए थे, आइलैंड ऑफ कॉस। ठीक है, अब ये जो जालीनूस कब और कहाँ पैदा हुए, तो ये कहाँ कब पैदा हुए, 129 AD में, यानी 129 ईस्वी में पैदा हुए थे, सदी ईस्वी में। ठीक है, तो 129 AD में इनकी पैदाइश हुई, और इनका वफात है 200 AD, 200 AD यानी कि 200 सदी ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। तो इनका ज़माना हयात से क्वेश्चन बनता है कि ज़माना हयात इनका क्या था, 129 AD से लेकर 200 AD तक। ठीक है, ये इनका ज़माना हयात है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इम्पॉर्टेंट, हमने यहाँ पर चार क्वेश्चन डिस्कस किए जालीनूस से रिलेटेड, कि जालीनूस की पैदाइश परगमौन में हुई, जालीनूस कब पैदा हुआ, 129 ईस्वी में पैदा हुआ, और इसकी वफात हुई 200 ईस्वी में, और इसका ज़माना हयात यानी कब से कब तक है, 129 AD से लेकर 200 AD तक। ठीक है, तो ये हमारा इसका जालीनूस का इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं जालीनूस की तालीम और तरबियत के बारे में, कि इसने किस तरह से अपनी एजुकेशन हासिल की। ठीक है, और ये किस तरह से तबीब बना, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब तालीम और तरबियत से बात करेंगे, तो जालीनूस ने अपनी इब्तदाई तालीम यानी कि प्राइमरी एजुकेशन अपने वालिद साहब से, यानी कि अपने फादर से हासिल की थी, और इसके फादर जो थे इल्म-ए-हंदसा कहते हैं न्यूमरोलॉजी को, और रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स को। तो इसके वालिद साहब जो थे, जिसके जो फादर थे जालीनूस के, वो न्यूमरोलॉजी में और मैथमेटिक्स में माहिर थे। ठीक है, और इसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन किससे हासिल की, अपने वालिद साहब से हासिल की। अब दूसरा पॉइंट है कि उसके बाद जालीनूस को ख्वाब में इल्म-ए-तिब हासिल करने की हिदायत मिली। ठीक है, जिसके लिए जालीनूस ने अपने कदीम तिब्बी फ़िलासफ़ा, यानी कि जो कदीम तिब्बी फ़िलासफ़र, जो मशहूर फ़िलासफ़र थे इस जालीनूस से पहले, तो वो थे बुकरात और अरस्तो। ये अरस्तो है, ठीक है, तो बुकरात और अरस्तो की किताबों का बग़ौर इसने मुताला किया था, और इसको इल्म-ए-तिब हासिल करने की जो हिदायत थी वो इसको ख्वाब में मिली थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा तबीब था
जिसको इल्मे तिब हासिल करने की हिदायत ख्वाब में मिली, तो वो जालिनूस था। और फिर जालिनूस ने बुकरात की और अरस्तु की तिब्बी किताबों का मुताला किया। ठीक है, जालिनूस ने सिर्फ 17 साल की उम्र में तशरी यानी कि एनाटॉमी, मनाफ़ुल अज़ा यानी फिजियोलॉजी और मुआलजात यानी कि मेडिसिन जैसे इल्म में माहिर हो गया था। तो इसने 17 साल की उम्र तक जब ये पहुंचा, तो इसने बुकरात और अरस्तु की मतलब किताबों का बगौर मुताला किया। और जब इसने मुताला किया और भी इसने मतलब तबीबों का मुताला किया होगा, जैसे इरासिस, तरासूस थे, हीरोफ्लस थे। ठीक है, तो अब इस ये किस किस सब्जेक्ट में माहिर हो गया था, इल्मे तशरी में यानी एनाटॉमी में, मुनाफ़ुल अज़ा यानी फिजियोलॉजी में, और मुआलजात यानी कि मेडिसिन में ये माहिर हो गया था। तो तालीम और तरबियत से हमने क्या पॉइंट पढ़े, एक तो हमने ये देखा कि जालिनूस ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद साहब से हासिल की और इसको इल्मे तिब हासिल करने के लिए ख्वाब में हिदायत मिली, और ख्वाब में फिर उसके बाद इसने कदीम तिब्बी फ़िलासफ़ा बुकरात और अरस्तु की किताबों का मुताला किया, और ये किस में माहिर हो गया, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में ये माहिर हो गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तालीम और तरबियत से रिलेटेड ही ये पैराग्राफ को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो देखिए, जालिनूस को इल्म की तलाश जस्तजू इस कदर ज़्यादा थी कि मुसलसल वो सफ़र में रहता था। ठीक है, और वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाया करता था इल्म हासिल करने के लिए, और ख़ास तौर से इल्मे तिब को हासिल करने के लिए, यानी कि जो मेडिसिन की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए इतना जस्तजू और तलाश में रहता था कि वो डिफरेंट ममालिक में जाया करता था, ख़ास तौर से वो यूनान। क्योंकि मैं यहाँ पर जालिनूस पढ़ रही हूँ, तो जालिनूस याद रखिएगा, जालिनूस क्या है, जालिनूस एक रोमन फिजिशियन है। ठीक है, रोमन फिजिशियन है, रोमी तिब है ये। ठीक है, रोमी तिब के अतिब्बा हैं। जी इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सोनम अमजद। हम कोशिश करेंगे कि तारीख़ तिब को जल्दी जल्दी कवर करें। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बता रही थी, हम जालिनूस को पढ़ रहे हैं। जालिनूस में आपने मैंने बताया कि हमने रोमन मेडिसिन स्टार्ट की है। रोमन मेडिसिन में हमने एक तबीब को डिस्कस कर लिया है जिनका नाम है डेस्कोरिडस को। ठीक है, अब हमारे दूसरे तबीब हम पढ़ रहे हैं जालिनूस। तो याद रखिएगा, ये यूनानी तबीब नहीं है जालिनूस, ये एक रोमी तबीब है। रोम से ये मुख्तलिफ ममालिक में गया था, यानी यूनान में गया था। ठीक है, और रोम में तो ये रहता ही था, तो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया इसने। ठीक है, और यहाँ तक कि इसके मतलब जब सफ़र में रहा, तो इसने मुफरद अदविया जड़ी बूटियों की तलाश के लिए ये मिस्र भी गया था, यानी ये इजिप्ट भी गया था। मिस्र कहते हैं इजिप्ट को, मैंने आपको पढ़ाया था ना मिस्री तिब, इजिप्शियन मेडिसिन। तो जड़ी बूटियों की तलाश के लिए कहाँ गया था, मिस्र गया था। और हर चीज़ का बारीबीनी से इसने मुशाहिदा, जालिनूस की आदत थी। ठीक है, तो जालिनूस जो था वो कोई भी चीज़ का मुशाहिदा करता था तो बहुत ज़्यादा बारीबीनी से किया करता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है हुक्ना से रिलेटेड। तो देखिए, हुक्ना का तरीका जालिनूस ने सीखा था, किससे सीखा था, एक परिंदे से सीखा था, एक बर्ड से सीखा था। ठीक है, अब वो बर्ड कौन सी थी, वो बर्ड थी कौआ। ठीक है, कौन सी बर्ड थी, कौआ यानी कि किरो था। तो वो किरो को अरबी में ना तायर कहा जाता है, तायर। ठीक है, किरो को अरबी में तायर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसी वजह से हुक्ना यानी कि एनिमा का जो अमल है उसको नाम दिया गया अमले तायर। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं लिखी हुई है कि जालिनूस ने हुक्ने का अमल ईजाद किया, ये वाली बात बुक में नहीं लिखी है। ठीक है, बस ये लिखा हुआ है कि जालिनूस ने हुक्ने का तरीका जालिनूस ने परिंदे से सीखा था, जिसकी वजह से हुक्ने को अमले तायर कहा गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जब आप आगे अलग मतलब जब आप आगे सेकंड प्रॉफ में जाएंगे या थर्ड प्रॉफ में जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हुक्ने का जो
जो अमल है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है कुछ लोगों में। कुछ लोग मानते हैं कि हुक्ने का अमल जालीनूस ने डिस्कवर किया था, और कुछ लोग मानते हैं कि हुक्ने का अमल बुकरात ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत इख्तलाफ देखने को मिलेगा। उसूले तिब में कहा गया है कि बुकरात ने डिस्कवर किया था, ठीक है, हुक्ने का अमल। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बस आपको ये लिख कर आना है कि जो पॉइंट यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ है बस आप इतना लिख दीजिएगा कि हुक्ने का तरीका जालीनूस ने एक परिंदे से सीखा जिसकी वजह से इसका नाम अमले तायर रखा गया। ठीक है, फजलो कमाल की बात करते हैं, यानी ये किस किस में इसका क्या क्या फजलो कमाल है, यानी किस में ये माहिर था। तो देखिए, ये बहैसियत तबीब इसका हम डिस्कशन करेंगे, बहैसियत मुहक्किक यानी एज अ फिजिशियन और एज अ रिसर्चर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बहैसियत मुसन्निफ भी डिस्कस करेंगे, और इसके कुछ अहम अकवाल यानी कि इसके कुछ कोट्स को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके जो कॉल हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालीनूस बहैसियत तबीब यानी एज अ फिजिशियन जालीनूस क्या कैसा था, तो वो मुख्तलिफ मजामीन यानी मजामीन कहते हैं अलग अलग टॉपिक्स को, मजमून जो होते हैं आर्टिकल्स को कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ मजामीन तशरी व मुनाफ़िउल अज़ा, ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट थे जैसे कि तशरी, एनाटॉमी, मुनाफ़िउल अज़ा, फिजियोलॉजी, इल्मुल अदविया, फार्माकोलॉजी, उसूल तशखीस यानी डायग्नोसिस के मेथड, ठीक है, तजवीज़ यानी जो दवा देते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के मेथड, जराहत यानी सर्जरी पर मालूमात रखता था। यानी हर टॉपिक से रिलेटेड जालीनूस जो है वो इल्म रखता था। मतलब जैसे आपके जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं और जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ से मतलब शुरू से लेकर आखिर तक इसे सारे सब्जेक्ट्स में इसको नॉलेज थी। ठीक है, यहाँ तक कि अमराजुन निसा यानी कि गायनेकोलॉजी में भी काफ़ी इल्म रखता था। ठीक है, एज अ मेल होकर गायनेकोलॉजी का भी ये इल्म रखता था। नब्ज़ की शनासी में माहिर था, यानी कि नब्ज़ कहते हैं पल्स को, और नब्ज़ एक बहुत डिटेल टॉपिक है यूनानी मेडिसिन में, जो आपको आई थिंक सेकेंड या थर्ड प्रॉफ में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो नब्ज़ की शनासी यानी कि आइडेंटिफिकेशन में माहिर था, नब्ज़ को पहचानता था। ठीक है, ख़तरनाक अमराज यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होते हैं, ठीक है, उनका इलाज वो दौराने सफ़र चलते फिरते कर दिया करता था, यानी कि इलाज करने में वो बहुत ज़्यादा माहिर था। ठीक है, तो ये इसका जालीनूस का हमने देखा कि जालीनूस बहैसियत तबीब एक बहुत अच्छा तबीब था। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्या मैं आपको बताती हूँ, या मैंने बस एक छोटी सी लाइन लिखी है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी आपको वाक्य को। तो देखिए, एक मतलब जालीनूस जब एक सफ़र में था, ठीक है, तो एक नौजवान जो था वो एक सख्त बीमार पड़ गया था। एक रास्ते में उसने देखा कि एक नौजवान यानी एक यंग कोई भी मैन वो बीमार पड़ गया था, और मुकामी तबीब यानी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो तबीब कह रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तशखीस नहीं कर पा रहे थे, उसकी डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे थे, है ना, जो मरीज़ था। तो वहाँ के जो तबीब थे जिस जगह पर वो बीमार था, तो वो तबीब यानी डिफरेंट डिफरेंट फिजिशियन उसकी डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे थे, बहुत कन्फ्यूज़न था। तो तबीबों में जो था वो आपसी इख्तलाफ था, कुछ मरीज़ कुछ तबीब कहते थे कि इसका फसद खोल देनी चाहिए, यानी कि इसकी वेनिसेक्शन कर देना चाहिए इस मरीज का, कुछ लोग कुछ और राय रखते थे। ठीक है, तो चुनाचा जालीनूस ने क्या किया इस इंसिडेंस में दखल अंदाजी की और कहा कि फसद खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जालीनूस ने कहा कि कुछ देर में इस मरीज़ की जो एक रग है यानी एक वीन खुद ब खुद उसका मुंह खुल जाएगा, और वो फासिद जो यानी जो ख़राब खून है, जो मॉर्बिड मटेरियल है खून के साथ, वो खारिज हो जाएगा यानी वो निकल जाएगा। जालीनूस ने ये अपना कयास लगाया हाइपोथेसिस की और डायग्नोसिस की उस मरीज़ को हालत देखकर। चुनाचा ऐसा हुआ कि कुछ देर के बाद उस मरीज़ की नाक से क्या हुआ, खून बहने लगा। ठीक है, और खून खुद ब खुद जारी हो गया, और देखते ही देखते मरीज़ की हालत जो है वो फाइन हो गई, यानी कि गुड हो गई उसकी कंडीशन उस मरीज़ की। ठीक है, जा
तो अब हमें ये मैंने एक इंसिडेंस बताना था और मैंने उसकी इम्पॉर्टेंट लाइन लिख दी है। इस इम्पॉर्टेंट लाइन से आप याद रखेंगे कि मरीज़ की नाक से खून खुद ब खुद बहने लगा, जैसा कि जालीनूस ने कयास लगाया था। ठीक है, तो जालीनूस एक बहुत अच्छा माहिर तबीब था, चलते फिरते लोगों का ऐसे ही वो इलाज कर दिया करता था और उसके हाथ में बहुत शिफा थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस तरह के इलाज और करामात की बिना पर दूर दूर तक जालीनूस के चर्चे होने लगे थे, यानी जालीनूस जो है वो बहुत मशहूर होने लगा। अब हम बात करते हैं जालीनूस बहैसियत मुहक्किक, यानी एज अ रिसर्चर जालीनूस कैसा था। ठीक है, एज अ रिसर्चर तो जालीनूस बहैसियत मुहक्किक, जालीनूस की किताबें तिब की हर शोबे में मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जालीनूस हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता था, मालूमात थी, तो जाहिर सी बात है कि जब उसको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी तो उसने हर सब्जेक्ट में किताबें लिखी थी। ठीक है, जालीनूस की तशरीही कारनामे अब हम डिस्कस करेंगे। तशरीही कारनामे यानी कि जालीनूस ने एनाटॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, जालीनूस ने एनाटॉमी में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था हीरोफ्लस का और इरासिस तरासूस का। इसी तरह से हम जालीनूस के भी कुछ तशरीही कारनामे यानी एनाटॉमी से रिलेटेड कारनामे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ पॉइंट है, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जालीनूस तशरीही मालूमात के लिए जालीनूस ने इंसानी नाशो कहते हैं कैडवर्स को, ठीक है, और जानवरों का डिसेक्शन किया था। लेकिन अब आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला तबीब था जिसने डिसेक्शन किया था, तो उसका नाम क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि जिस कौन सा तबीब था जिसने सबसे पहले डिसेक्शन किया था? पहली बार इंसानी लाशों पर डिसेक्शन किस तबीब ने किया था, ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई है पहले, तो आप में से अगर किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। नहीं पता तो देखिए, हीरोफ्लस थे। ठीक है, हीरोफ्लस ने सबसे पहले, यानी ये वाली बात जालीनूस ने खुद कही है कि हीरोफ्लस ने सबसे पहली बार इंसानी लाशों का डाइसेक्शन किया था, यानी ह्यूमन कैडेवर में डाइसेक्शन सबसे पहले हीरोफ्लस ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, हीरोफ्लस ने, नॉट जालीनूस ने। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जालीनूस ने भी डाइसेक्शन किया था, लेकिन इसने सबसे पहले नहीं किया था, सबसे पहले किया था हीरोफ्लस ने। ठीक है, तो अब आप आंसर लगाएंगे हीरोफ्लस डाइसेक्शन से रिलेटेड। आगे बात करते हैं, गुर्दे से मसाने तक जो यूरिन एक तरफा सैलान होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये तस्दीक जो है वो जालीनूस ने जानवरों पर तजुर्बा करके की थी। ठीक है, तो जालीनूस ने बताया कि जो यूरिडायरेक्शनल फ्लो होता है यूरिन का किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक थ्रू द यूरेटर, तो ये बात यूरिडायरेक्शनल फ्लो की यूरिन की वो किसने बताई? जालीनूस ने बताई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जालीनूस ने बहुत से आज़ा हैं, बहुत से ऑर्गन्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की जालीनूस ने एनाटॉमी बताई। अब वो कौन कौन से आज़ा हैं जिसकी जालीनूस ने एनाटॉमी बताई यानी तशरीह बताई, तो वो कौन कौन से आज़ा हैं, उनके नाम ये हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर हैं। जैसे कि अज़्ज़ाम जो है वो अज़्म की जमा है। ठीक है, अज़्म कहते हैं बोन को। ठीक है, बोन को हम अज़्म कहते हैं, इज्म नहीं है ये, एन के ऊपर ज़बर है। ठीक है, तो इसे आप अज़्म पढ़ेंगे, तो अज़्म हो गया बोन। अब बोन अज़्म की जमा हो जाएगी अज़्ज़ाम यानी बोन यानी बोन्स। ठीक है, अज़लात जो है मसल्स को कहते हैं, अवतार यानी वत्र की जमा है। ठीक है, याद रखिएगा, अवतार जो है वो वत्र की जमा है, वत्र कहते हैं टेंडन को। ठीक है, तो टेंडन्स हो गए हमारे अवतार। आसाब जो है वो हमारी अस्ब की जमा है, अस्ब कहते हैं नर्व को।
ठीक है, नर्व को, तो यहाँ बहुत सारी नर्व हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आसाब, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आसाब है ये। दिमाग ब्रेन को कहते हैं, कल्ब हार्ट को कहते हैं, फेफड़े लंग्स को कहते हैं, जिगर जिगर लीवर को कहते हैं, और जिगर को कब्ज भी कहते हैं, याद रखिएगा कब्ज भी कहते हैं। गुर्दे किडनी को कहते हैं, हालिप यूरेटर को कहते हैं, ये तो सिंगुलर लिखा हुआ है यहाँ पर हालिप, ठीक है। अगर आपसे प्लूरल पूछा जाए तो हालिप का प्लूरल होगा हालिबेन, क्या होगा हालिबेन यानी यूरेटर्स। मसाना हो जाएगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, आजाए जिंसिया हो जाएंगे हमारे सेक्स ऑर्गन। तो इन सब की जो तशरी थी, इन सब की जो एनाटॉमी थी वो जालिनूस ने बयान की, ठीक है। तो ये बात पॉइंट याद हो गया होगा आपको, इन सब की देखिए आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में आप इन सब के जो ये टर्म्स हैं ना, इनको याद करते जाइए, ठीक है। क्योंकि आप अभी से याद करते चलेंगे इन टर्म्स को, तो आपको आगे आने वाली जो आपकी नेक्स्ट ईयर्स हैं तो उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टर्मिनोलॉजी ना साथ में याद करते रहिए, उर्दू टर्मिनोलॉजी, यूनानी टर्मिनोलॉजी को, ठीक है। और आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग पूछना है कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप यूनानी इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कि हड्डी की लंबी और चपटी वजह, वजह यानी पोजीशन के एतबार से लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन होती हैं, स्पॉन्जी बोन होती हैं, वो अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर लंबी यानी लॉन्गिट्यूडनल और चपटी यानी कि जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनके एतबार से, वजह के एतबार से तकसीम किया था, क्लासीफाई किया था जालिनूस ने, ठीक है। इसके अलावा जालिनूस ने बोन यानी हड्डी, रिबात कहते हैं लिगामेंट को, रिबात कहते हैं लिगामेंट के दरमियान इसने ताल्लुक बयान किया था, ठीक है। तो हड्डी और रिबात यानी बोन्स और लिगामेंट के दरमियान क्या ताल्लुक होता है, तो इसने ये बात भी जालिनूस ने बयान की, ठीक है। फोर्थ सिक्स पॉइंट है कि आसाब की इब्तदा कहाँ से होती है, दिमाग से होती है, यानी जो आसाब कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं नर्व्स, तो वो दिमाग से होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से होती हैं, ये बात भी जालिनूस ने बताई। दिमाग से निकलने वाली जो अस्ब है, अस्ब बसरी, अस्ब समई, अस्ब वजही, अस्ब बसरी कहते हैं अस्ब बसरी ऑप्टिक नर्व को, अस्ब समई यानी ऑडिटरी नर्व, अस्ब वजही यानी फेशियल नर्व, तो ये तीनों नर्व जो होती हैं वो दिमाग से निकलने वाली नर्व हैं, और ये तीनों नर्व का जो बयान है वो भी जालिनूस ने बताया, ठीक है। इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन जालिनूस ने दी। अज़लात की जो तकसीम है यानी जो मसल्स की क्लासिफिकेशन है, बाएतबारे उमूदी यानी लॉन्गिट्यूडनल, मुस्तार्स यानी के ट्रांसवर्स, और मौर्रब यानी के ऑब्लिक रेशों के हैं, ठीक है। तो ये भी जालिनूस ने अज़लात यानी मसल्स की क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ट्रांसवर्स फाइबर और ऑब्लिक फाइबर्स, रेशे कहते हैं फाइबर्स को, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट फाइबर्स के टाइप बताए गए हैं, तो इस एतबार से जालिनूस ने अज़लात की क्लासिफिकेशन की। इसके अलावा जालिनूस ने मैदे की तशरी मैदा कहते हैं स्टमक को, ठीक है। तो स्टमक की जो एनाटॉमी है और उसका जो स्ट्रक्चर है, मय तबकात, मय कहते हैं विद को, मय जो लिखा हुआ है ना विद, तबकात कहते हैं लेयर्स को, तो मैदे की एनाटॉमी और साख्त को लेयर्स के साथ, ठीक है, विद लेयर्स जो है जालिनूस ने बयान किया। अब हम लास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट लिखा हुआ है, हालबेन यानी यूरेटर, ओर्दा यानी वीन्स, शराइन यानी के आर्टरीज, इन सब के दरमियान इसने फ़र्क यानी डिफरेंस बताया, वजाहत यानी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है यूरेटर में, वीन्स में, शराइन में, ये बात जालिनूस ने बताई। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको रिवाइज करना है अपना, हीरोफ्लस वाला, ठीक है। हीरोफ्लस ने क्या बताया था, हीरोफ्लस ने शराइन और ओर्दा, सिर्फ शराइन और ओर्दा की साख्त में फ़र्क बयान किया था, ठीक है। और हीरोफ्लस ने बताया था कि शराइन जो होती हैं वो थिक होती हैं, दबीज होती हैं, और जो ओर्दा होती हैं वो थिन होती हैं,
ठीक है, तो सिर्फ शराइन और ओरदा की साख्त में जो डिफरेंस बताया था वो किसने बताया था? हीरोफ्लस ने बताया था, याद रखिएगा, हीरोफ्लस ने बताया था। जबकि यहाँ पर एक और एडिशन हो गया है, हाल्बेन वीन्स और शराइन में जो डिफरेंस बताया है वो जालिनोस ने बताया है, ठीक है। और इसके अलावा इरासीस तरासूस का एक पॉइंट रिवाइज कीजिए कि इरासीस तरासूस ने क्या बताया था, एनाटॉमिकल डिफरेंस नहीं बताया था, उसने फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बताया था ओरदा और शराइन में, यानी अफाल के एतबार से, फंक्शन के एतबार से जो डिफरेंस बताया था तो वो इरासीस तरासूस ने ओरदा और शराइन के बीच में बताया था, उसमें भी म्यूरेटर नहीं था। लेकिन यहाँ जालिनोस के पॉइंट में आपको याद रखना है हाल्बेन, ओरदा और शराइन के बीच में जो फ़र्क है उसकी वजाहत जालिनोस ने की, ठीक है। आगे बात करते हैं, जालिनोस ने गुर्दे यानी कि किडनी और मसाना यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, इनकी तशरीह को भी जालिनोस ने बयान किया। इसके अलावा जालिनोस ने बताया कि जो शराइन होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनका मबदा यानी उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? कल्ब से होता है और ओरता से होता है, एओर्टा से होता है, ठीक है। तो ये बात भी जालिनोस ने बताई, ये बात बिल्कुल सही साबित हुई जालिनोस की। और बहुत सी जितनी भी हमारी जालिनोस की इन्फॉर्मेशन है ना, जो जालिनोस ने दी थी एनाटॉमी से रिलेटेड, तो वो आज की मॉडर्न जो एनाटॉमी है उससे अगर मिलाया जाए तो काफ़ी हद तक जालिनोस की एनाटॉमी को फॉलो किया गया है और उसको माना भी गया है, सही माना गया। और ये बात भी देखिए कि जालिनोस ने उस ज़माने में, यानी कि जालिनोस की पैदाइश का ज़माना क्या था, 129 AD में उसकी पैदाइश हो गई थी, और 17 साल की उम्र में जालिनोस जो था वो एनाटॉमी की इन्फॉर्मेशन यानी उसकी मालूमात उसको हो गई थी, मुनाफिर राजा की मालूमात हो गई थी। तो उस ज़माने में उसने ये इतनी सही इन्फॉर्मेशन दी थी रिलेटेड टू एनाटॉमी, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कवर हो गया है। आज हम इसी क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जालिनोस का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।